So it's a new chapter known as excretory product and their elimination. और ये चैप्टर वहीं से शुरू होता है जहां से पहले तीन चैप्टर खत्म होते हैं. देखिए मैं तीन चैप्टर को इस चैप्टर के साथ जोड़ता हूं. ये रहा हमारी सेल और इस सेल में है मेटाबॉलिज्म. सेल में मेटाबॉलिज्म क्यों जरूरी है? क्योंकि सेल को रहना है लिविंग. तो हर लिविंग सेल के लिए जिंदा रहने के लिए मेटाबॉलिज्म जरूरी है. और मैं पिछली दो बार से बता रहा हूं मेटाबॉलिज्म के लिए दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं. एक न्यूट्रिएंट और दूसरा ऑक्सीजन. न्यूट्रिएंट आपको डाइजेस्टिव सिस्टम ने दी, और ऑक्सीजन आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम ने दी. तो डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम ने आपको दो चीजें दी, एक ने दिया न्यूट्रिएंट, दूसरे ने दिया ऑक्सीजन. तो सर सर्कुलेटरी सिस्टम क्या कर रहा था? सर्कुलेटरी सिस्टम इन दोनों चीजों का ट्रांसपोर्ट कर रहा था. सर्कुलेटरी सिस्टम इन दोनों चीजों का ट्रांसपोर्ट कर रहा था, यानी वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सेल की तरफ लेके जा रहा है. लेकिन एक बात तय है कि जब भी सेल की तरफ न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन जाएंगे मेटाबॉलिज्म होगा. तो इस मेटाबॉलिज्म की वजह से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पैदा होंगे. और मैं इन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बोलता हूं मेटाबॉलिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. ऐसे प्रोडक्ट जो मेटाबॉलिज्म की वजह से बने हो, दोज प्रोडक्ट आर नोन एज मेटाबॉलिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. जैसे मैं कहूं कि सर न्यूट्रिएंट का नाम कार्बोहाइड्रेट है, क्या नाम है? तो मैंने जब कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म की, किसकी? मैं न्यूट्रिएंट पकड़ना हूं, एक एक करके मेरे साथ पढ़ते रहो. अगर मैंने कार्बोहाइड्रेट खाया और कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली सेल में गया इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, किसके फॉर्म में? और वो टूटा तो उसने दो प्रोडक्ट बनाए, एक CO2 और एक वाटर. तो CO2 और वाटर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है. किसी बच्चे ने मुझे पकड़ लिया कि सर पानी एक्सक्रीटरी कैसा हो सकता? मैंने कहा पानी एक्सक्रीटरी नहीं है, लेकिन अगर वाटर एक्सेस है कैसा, देन इट इज एक्सक्रीटरी. वाटर नॉर्मल अमाउंट में एक्सक्रीटरी, लेकिन अगर वाटर आपकी बॉडी में क्या हो जाए, एक्सेस, तो हम रखेंगे कि निकालेंगे? निकालेंगे. और दूसरी कौन? CO2. किसी ने कहा सर अगर कार्बोहाइड्रेट की बजाय हमने फैट खाया तो भी आपको यही दो प्रोडक्ट मिलेंगे. कार्बोहाइड्रेट और फैट के जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है एक्चुअली CO2 और H2O ही है, क्योंकि फैट टूटेगा फैटी एसिड में, फैटी एसिड से होगा बेस्टा स्टाइल कोएंजाइम, स्टाइल कोएंजाइम से क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल के बाद ETS, CO2 बनेगी, H2O बनेगा. तो दम टू मेटाबॉलिक प्रोडक्ट आर CO2 एंड H2O. फिर से बोलो, वाटर वेस्ट प्रोडक्ट है? नहीं, एक्सेस वाटर इज अ वेस्ट. किसी ने कहा कि सर हम लोग कार्बोहाइड्रेट फैट के अलावा प्रोटीन खाते हैं. हमने कहा मैं इसी का इंतजार कर रहा था कि तुम प्रोटीन बोलो. जब आप प्रोटीन खाओगे तो इस प्रोटीन के पार वजह से बनेगी अमोनिया. बोलो क्या बनेगी? अमोनिया. इसको हम लोग यूरिक एसिड या यूरिया में भी तोड़ सकते हैं, और यूरिक एसिड में भी तोड़ सकते हैं या यूरिक एसिड बना सकते हैं. इस तरीके के वेस्ट कहलाते हैं नाइट्रोजन वेस्ट. फिर से बोलो, याद रखना CO2 भी मेटाबॉलिक वेस्ट है, H2O भी मेटाबॉलिक वेस्ट है. H2O नॉर्मल एक्सेस, एक्सेस. अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड भी मेटाबॉलिक वेस्ट है. साथ में जो हमने सॉल्ट खाए हैं वो अगर एक्सेस हो जाए, वो अगर सॉल्ट इज नॉट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सेस ऑफ द सॉल्ट इज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. जैसे कि अगर सोडियम एक्सेस हो जाए हमारे लिए एक्सक्रीटरी है, पोटेशियम एक्सेस हो जाए एक्सक्रीटरी है, क्लोराइड एक्सेस हो जाए एक्सक्रीटरी है, सल्फेट और फॉस्फेट बेटा एक्सेस हो जाए ये भी एक्सक्रीटरी है. तो इतने सारे एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस बन सकते हैं कोशिकाओं में. अगर मैं एक बार में रट्टा मारने के लिए बोलता तुम्हारी दिमाग खराब हो जाता है.
इतना लिखा हुआ है और अपनी एनसीईआरटी में से अंडरलाइन करो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में क्या क्या बन सकता है, बोलो क्या, CO2, वाटर, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, सल्फेट, फॉस्फेट, ऑल ऑफ देम आर मेटाबॉलिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। इन मेटाबॉलिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का एलिमिनेशन, इट इज नोन एज एक्सक्रीशन। नाउ एवरीवन मुझे एक्सक्रीशन की डेफिनेशन बताएगा, हर बंदा मुझे एक्सक्रीशन की डेफिनेशन बताएगा। व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन इज एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट का एलिमिनेशन करना, इट इज एक्सक्रीशन। तो बताओ CO2 का एक्सक्रीशन करना, एलिमिनेशन करना, इट इज एक्सक्रीशन। एक्सेस वाटर, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, एक्सक्रीशन, सल्फेट फॉस्फेट, एक्सक्रीशन। कई बच्चे एक्सक्रीशन की एक और डेफिनेशन बताते हैं जो मेरे हिसाब से गलत है, मैं जितना जानता हूं वो गलत है। वो बोलते हैं सर एक दिन आपको लार्ज इंटेस्टाइन में लेके चलते हैं। हमने कहा चलो, सीकम, कोलोन, कोलोन के बाद रेक्टम, रेक्टम के बाद एनस, रेक्टम में पड़ा है फीकल मैटर। बोलो बताइए, फीकल मैटर सेल के अंदर से प्रोड्यूस हुआ है क्या? नहीं। फिर सुनो, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जितने हैं वो इंट्रा सेलुलर है। कैसा है? इंट्रा सेलुलर, क्योंकि सेल के अंदर क्या चली। तो बेटा जो प्रोडक्ट भी बने वो भी कहां से? सेल से। लेकिन डाइजेशन कभी सेल के अंदर नहीं हुआ। स्पेशल कहां पर? ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन। और इसी वजह से इस तरीके के प्रोडक्ट का एलिमिनेशन इज नोन एज इजेशन। So what I want to say, ejection and excretion is not the same thing. Ejection and is not the same thing. Removal of the undigested product or the removal of the waste product of alimentary canal. फिर से बोलो, removal of the waste product of alimentary canal के waste product का removal, it is known as ejection. And now what is excretion? Removal of metabolic waste product, it is known as excretion. तीन डेफिनेशन मुझे अभी चाहिए, एक कौन और एक कौन? एक्सक्रीशन। बोलते हैं एक्सक्रीशन के दौरान, एवरीवन हियर, एक्सक्रीशन के दौरान आप सॉल्ट भी रिमूव करते हैं और वाटर भी रिमूव करते हैं, नॉर्मल की एक्सेस। फिर से बोलो, तो आप सॉल्ट और वाटर को भी रिमूव कर रहे हो, इसका मतलब ब्लड में प्रेजेंट सॉल्यूट, समझ लो, ब्लड में प्रेजेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हो, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलकर बनाते हैं सॉल्यूशन। फिर से बोलो, और इस सॉल्यूशन की होती है ऑस्मोटिक प्रेशर। बोलो क्या? तो सॉल्यूशन का होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, अगर कम तो अगर मैं एक्सेस सॉल्ट को निकाल रहा हूं या फिर कम सॉल्ट होने पर सॉल्ट प्रोड्यूस कर रहा हूं तो मैं कौन सा प्रेशर बैलेंस कर रहा हूं? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करना, इट इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। फिर से बोलो। सो बेटा मेरे बच्चे, यहां पर तीन बड़े बड़े शब्द आपको मिलेंगे। नंबर वन इज एक्सक्रीशन, नंबर टू इज इजेशन, नंबर थ्री इज ऑस्मो रेगुलेशन। तीनों शब्द बता पाओगे? यस सर। वाकई? What is ejection? The removal of waste product of alimentary canal. First of all, removal of
वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री के नाम इट इज इजिशियन। ये इंट्रा सेलर है कि एक्स्ट्रा सेलर? एक्स्ट्रा सेलर। ल्यूमेन से है? यस। नाउ व्हाट इज एक्सक्रीशन? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। रिमूवल ऑफ इट इज नोन एज एक्सक्रीशन। व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन? इट इज द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। वाटर एंड सॉल्ट इट इज नोन एज ऑस्मोरेगुलेशन। अब याद रखना, पूरे मैमल में जो ऑर्गन एक्सक्रीशन कर रहा है वही ऑस्मोरेगुलेशन कर रहा है। फिर से, द ऑर्गन विच परफॉर्म एक्सक्रीशन दैट विल परफॉर्म ऑस्मोरेगुलेशन। और एक्सक्रीशन की डेफिनेशन अपने आप खत्म होने को है, अगर तुम लोग सही ढंग से देख लो। एक्सक्रीशन के दौरान मुझे CO2 भी रिमूव करनी है, वाटर भी रिमूव करना है, सॉल्ट भी रिमूव करना है, और नाइट्रोजन बेस भी रिमूव करना है। इधर देखो नितिन, CO2 को रिमूव कर गया लंग्स। तो याद रखना, CO2 को रिमूव करने के लिए वी डू नॉट हैव द एक्सक्रीटरी सिस्टम, नो, क्योंकि इसके लिए तो लंग्स निकाल ले गया। अब बचा वाटर, सॉल्ट एंड नाइट्रोजन वेस्ट। तो एक्सक्रीशन माने रिमूवल ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड नाइट्रोजन वेस्ट। इसीलिए एक्सक्रीशन की एक छोटी डेफिनेशन बनती है, एंड द डेफिनेशन इज रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज नोन एज एक्सक्रीशन। नहीं पल्ले पड़ा। कुछ लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन की एकदम जबरदस्त डेफिनेशन बताओ, इट इज द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। और अगर कोई बोले क्या एक्सक्रीशन माने नाइट्रोजन वेस्ट को निकालना, यस, तो आप बोलो एक्सक्रीशन इज ऑल्सो इट इज द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। बहुत सारे लोगों ने इस बात को सुना भी नहीं और समझा भी नहीं होगा, पर मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर तुम्हें प्रोडक्ट नहीं आते तो तुम्हें चैप्टर पढ़ना भी नहीं चाहिए। मेटाबॉलिक वेस्ट के प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं बोलो? CO2, वाटर, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, सल्फेट, फॉस्फेट। क्या ये सॉल्ट है? Yes, sir. क्या ये CO2H2 है? Yes, sir. वाटर है? Yes, sir. ये नाइट्रोजन वेस्ट है? Yes, sir. भगवान ने इसके लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं दिया। क्या दिया? लंग्स दिया? लंग्स दिया। तो आप बताओ बचा क्या? वाटर और सॉल्ट इट इज ऑस्मोरेगुलेशन, और एक्सक्रीशन इज अमोनिया। इसका मतलब है जो बंदा एक्सक्रीशन कर रहा था वही ऑस्मोरेगुलेशन। इसका मतलब एक्सक्रीशन करना इट इज अ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट, एंड दैट्स व्हाई हम लोग एक्सक्रीशन को हमेशा अमोनिया के रेस्पेक्ट में, यूरिया के रेस्पेक्ट में और यूरिक एसिड के रेस्पेक्ट में देखने लगते हैं। क्यों? अमोनिया जाएगी तो वाटर और सॉल्ट जाएगा, यूरिया जाएगी तो वाटर और सॉल्ट जाएगा, यूरिक एसिड जाएगा तो वाटर और सॉल्ट जाएगा। तो अगर तुम कुछ भी भेजो वाटर और सॉल्ट जाएगा। और इसीलिए बोलते हैं एक्सक्रीशन इज आर ऑफ थ्री टाइप। कितने प्रकार? अमोनिया का एक्सक्रीशन अमोनोटेलिजम, यूरिया यूरियोटेलिजम, और यूरिक एसिड यूरिकोटेलिजम। नहीं आया? आया? आइए, यहां तक किसी को ना आया हो हाथ उठा के पूछे। थैंक यू वेरी मच। अब यही चलेगा, ना तुम पढ़ना चाहते हो ना मैं पढ़ाना चाहता हूं। हाँ बोलेंगे, लेकिन दैट एक्सक्रीशन इज थ्रू लंग्स। और यही समझ में आएगा कि बाद में एक दिन पूछा जाएगा कि लंग्स का एक काम और बताओ, रेस्पायरेशन के साथ एक्सक्रीशन। और तुम्हें यकीन बताऊं कि वाटर भी निकलता है, दैट्स व्हाई वाटर वेपर भी होती है। भयानक से भयानक सर्दी में तुम किसी कांच के ऊपर फूको, वहां पर मॉइस्चर होगा। यस और नो? यस। और इसीलिए सर्दियों में आपके मुंह से सांस निकलती कि धुआं? धुआं इज नथिंग, इट इज वाटर वेपर। जो ठंडी है कि गर्म? गर्म, बाहर ठंडा, इसीलिए वो वेपरेट होकर के बाहर निकल रही। नहीं समझ में आया? तीन शब्द बता पाओगे? भाई यही मेरी जीत हो जाएगी बता पाओगे तो। वन इज इजेशन, एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन। इजेशन याद है? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। इट्स द रिमूवल ऑफ
वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज नोन एज इजेशन. एक्सक्रीशन याद है? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट. और ऑस्मोरेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर. याद रहेगा? अगर प्रोडक्ट बोल दिया बिना देखे तो मैं जीत गया, नहीं तो हार गया. CO2, वाटर, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, सल्फेट, फॉस्फेट. इसके अलावा भी क्रिएटिनिन, हिप्यूरिक एसिड, बहुत सारी चीजें. पर NCERT की लाइन नहीं भूलनी है. और इसीलिए बोलते हैं कि तीन तरीके का एक्सक्रीशन है. नंबर वन इज अमोनोटेलिज्म, रिमूवल और एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया. इट इज नोन एज एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया. अमोनिया का एक्सक्रीशन इज नोन एज अमोनोटेलिज्म. द ऑर्गेनिज्म विच परफॉर्म अमोनोटेलिज्म, दे आर नोन एज अमोनोटेलिक. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनोटेलिज्म कहते हैं, करते हैं, उनको लोग कहते हैं अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म. अब ध्यान सुनना कॉन्सेप्ट इसके पीछे. अमोनिया इज वेरी टॉक्सिक. अमोनिया बहुत टॉक्सिक है. सो अगर आपको अमोनिया रिमूव करना है तो इसे आप कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में नहीं रिमूव कर सकते, क्योंकि जहां जाएगी वहां कोरोजन करेगी. आपको मैं एक हाइड्रोक्लोरिक एम्ल की एक बूंद कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में डालूं, आपकी खाल जल जाएगी. लेकिन वही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की एक बूंद, HCl की एक बूंद मैं पूरे ड्रम ऑफ वाटर में डाल दूं और फिर वो ड्रम ऑफ वाटर से नहा लूं, मैं जल जाऊंगा? नहीं जलूंगा. क्यों? तो जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे उन्हें कंसेंट्रेटेड फॉर्म में डालना है कि वॉट? डाइल्यूटेड. डाइल्यूटेड. तो याद रखना अमोनिया टॉक्सिक है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड फॉर्म की जरूरत है. एक्सक्रीशन इन डाइल्यूटेड फॉर्म. और डाइल्यूटेड फॉर्म में डालने के लिए यू नीड वाटर. क्या चाहिए? वाटर. और कम वाटर भी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा. तो याद रखना वो ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं कहां पर, वही इसे अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास पानी ज्यादा है. इसको चांटा मारा करो जब ये सोया करे. हाँ बिल्कुल, मार दिया करो मेरी तरफ से एकदम. जैसे ये सोए कंटाप तो दूसरे दिन से सोना बंद. वाटर बहुत ज्यादा चाहिए. एंड दैट्स व्हाई ओनली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म ही ऐसा एक्सक्रीशन करने के लिए बाध्य हैं. और इनके तीन एग्जाम्पल NCERT लिखती है, तो कम से कम वो तीन एग्जाम्पल लर्न कर लेना. यस, पहले नो हम लोग कॉर्डेटा के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं पहले से डिवाइड कर रहा हूं. याद रखना इनवर्टिब्रेटा, बोलो कौन? चलो सारे लोग पहले इनवर्टिब्रेटा की पूरी लिस्ट बनाएंगे. बताएंगे? Yes, बोलो कौन? ओरिफेरा, सीलेंट्रेटा, सवास, और टीनोफोरा, और फ्लैटी हेलमेंटिस, फिर एसके हेलमेंटिस, फिर एनेलिडा, सवास, एनेलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा का मोलस्का, फिर इकाइनोडर्मेटा, फिर हेमिकॉर्डेटा, फिर कॉर्डेटा. और कॉर्डेटा में भी वर्टिब्रेट है, कॉर्डेटा में भी. और वर्टिब्रेटा के पांच लोग बोलो, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल. तो अपनी डेफिनेशन को, अपनी पढ़ाई को और अच्छा कर ले. क्यों रखता हमारे आग बोन कर? जब हम कॉर्डेटा की बात करें और वर्टिब्रेटा की, रीढ़ की हड्डी वाले लोगों की बात करें, वर्टिब्रेटा के लोगों की बात करें, तो इनकी बात करें बोलो, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स.
और जब इनवर्टिब्रेटा की बात करें तो इनकी बोलो ओरिफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमेंटी, एसके हेलमेंटी, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा की तरफ चला गया। अब आपकी एनसीईआरटी जो तीन एग्जाम्पल लिखती है वो मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं। अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म के तीन एग्जाम्पल एनसीईआरटी लिखती है। वन इज नोन एज बोनी फिसिस, कॉन्डिक्टिस की ऑस्टिक्टिस, ऑस्टिक्टिस। दूसरा एक्वाटिक एम्फीबियंस, पानी में रहने वाले एम्फीबियंस। और तीसरा लिखती है एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा और एक्वेटिक इंसेक्ट। आपको मालूम है प्रॉन झींगा मछली, मछली है कि आर्थ्रोपोडा? क्रैब आर्थ्रोपोडा। और जैसा कि चित्रांश ने कहा कि सर पोरीफेरा, अरे पानी में रह रहे अमोनोटेलिजम, नहीं समझ में आया? सीलेंट्रेटा अमोनोटेलिजम। तो जो अधिक पानी में रहेंगे वो क्या करेंगे? अमोनोटेलिजम। तो फिलहाल मैं इस लिस्ट को छोड़कर अपनी एनसीईआरटी की लिस्ट में आ रहा हूं। बोलो बोनीफिसेस, एक्वाटिक एम्फीबिया, एक्वाटिक इंसेक्ट। एंड वन थिंग मोर, शायद समाप्त इसको तुम अडॉप्ट कर पाओ शायद। अमोनिया इट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है, इसलिए इसका डिफ्यूजन भी बहुत ज्यादा होता है, डिफ्यूजन फास्ट है। इसीलिए मछलियां अमोनिया का एक्सक्रीशन अपने गिल्स से कर देते हैं। किससे? गिल्स से। फिशेस अमोनिया का एक्सक्रीशन गिल्स सरफेस से कर देती है। अजीब बात है, यहां से वो सांस ले रही थी वहीं से वो बेटा अमोनिया निकाल देती। और इसीलिए बोलते हैं कि मछलियों में अमोनिया को रिमूव करने के लिए जो किडनी का रोल है, किडनी का रोल बहुत ज्यादा है कि इनसिग्निफिकेंट? इनसिग्निफिकेंट। और ये बात एनसीईआरटी में लिखी है, और जाकर के पढ़ के अंडरलाइन करके आना। अमोनिया का एक्सक्रीशन उसकी सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है, और सॉल्युबिलिटी अगर ज्यादा हुई तो डिफ्यूजन फास्ट, और अगर डिफ्यूजन फास्ट तो जहां सरफेस मिलेगी वहीं से वो निकल भागेगी। और इसीलिए अमोनिया को निकालने के लिए किडनी का रोल बहुत ज्यादा कि बहुत कम? बहुत कम है, बहुत कम है। और इसीलिए मछलियां अपनी अमोनिया का एक्सक्रीशन किडनी से करती है कि गिल्स से? गिल्स से। अगर आपको अमोनोटेलिज्म में इतना आता है तो आप एनसीईआरटी की हर एक लाइन में जो लिखा हुआ वो आ गया, अगर नहीं आता तो मैं फिर से रिवाइज करता हूं। अमोनिया का निकालना अमोनोटेलिज्म। अमोनिया टॉक्सिक कम है कि ज्यादा? ज्यादा टॉक्सिक है। पानी कम चाहिए कि ज्यादा? और इसे रटने की जरूरत? क्योंकि जिसको पानी ज्यादा चाहिए वो कहां? रेगिस्तान में रहता है, पानी में रहेगा, और पानी में ज्यादा रहेगा। इसीलिए इस तरीके के एक्सक्रीशन को करने वाले ऑर्गेनिज्म पानी में ही पाए जाएंगे। और तीन एग्जांपल लिए गए, बोलो कौन? बोनी फिशेस, एम्फीबिया, और सारे एम्फीबिया एक्वाटिक, और इंसेक्ट। पूरी कहानी यहां तक अगर खत्म हो गई, अगर तुम ये पांच जानते तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं। बोलो कौन? फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैन। समझ रहे हो? ये हुआ अमोनोटेलिज्म, हटा दे। अमोनोटेलिज्म के बाद आता है यूरियोटेलिज्म। बोलो यूरियोटेलिज्म। यूरियोटेलिज्म का मतलब है रिमूवल ऑफ अमोनिया की यूरिया। यूरिया हटा रहा हूं। चैप्टर इतने प्यारे हैं कि इनको तुम लोग रट्टा मारते हो। अगर कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहोगे तो हर एक चीज पेटक वहां पर कॉन्सेप्ट में। इट इज एलिमिनेशन ऑफ यूरिया।
और यूरियोटेलिज्म करने वाले ऑर्गेनिज्म दे आर नोन एज यूरियोटेलिक. दे रिक्वायर लेस वाटर, लेस वाटर देन अमोनोटेलिक. अमोनोटेलिक लोगों से कम पानी चाहिए और इसीलिए यूरियोटेलिज्म इज अ एडाप्टेशन ऑफ द लैंड हैबिटेट. पानी में रहे कि जमीन में? अगर आप जमीन में रहने वाले लोग हैं, पानी को छोड़ चुके हैं, जमीन में रहने वाले लोग हैं, टेरेस्ट्रियल लोग हैं, तो अब आपको थोड़ा कम पानी लॉस करना है. उतना लॉस नहीं कर सकते जितना मछलियां कर सकती थी. इसलिए लैंड हैबिटेट वाले ज्यादातर लोग, ज्यादातर लैंड हैबिटेट वाले लोग ये चुनते हैं क्या? यूरियोटेलिज्म. और इसीलिए तीन एग्जांपल में, दो एग्जांपल लैंड से हैं, एक तो मैमल, हम लोग मैमल्स हैं, दूसरा याद रखना लैंड एम्फीबिया. एक्वाटिक एम्फीबिया क्या कहते थे? अमोनोटेलिक. लैंड एम्फीबिया यूरियोटेलिक. इसमें एक ही एक्सेप्शन दिखाई पड़ता है और वो है बेटा फिश, और वो भी कौन सी? हाँ, कार्टिलेज फिश, कार्टिलेजिनस फिश. और इसका भी कॉन्सेप्ट चाहोगे तो समझ में आता है. बताओ इनमें एयर ब्लैडर होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो ये अपर सरफेस में पानी को रहने के लिए तैरती रहती है, तैरती रहती है. इसका मतलब इन्हें काम हमेशा करना पड़ेगा. इसका मतलब ये अपनी बॉडी में वाटर ज्यादा रोक, क्योंकि ज्यादा रोकेंगे तो वेट बढ़ जाएगा. इसीलिए ये अपनी बॉडी में वाटर कम रोकती हैं और इसी वजह से ये कम वाटर के साथ एक्सक्रीट करना चाहती. नहीं समझ गया? तो तीन लोग नाम दिए, बोलो कौन कौन? मैमल्स, लैंड एम्फीबिया, कार्टिलेज. तो मछलियां दोनों प्रकार की, अमोनोटेलिज्म यूरियोटेलिज्म. एम्फीबिया भी दोनों प्रकार के, अमोनोटेलिज्म यूरियोटेलिज्म. एक्वाटिक एम्फीबिया, लैंड एम्फीबिया, टेरेस्ट्रियल एम्फीबिया. अच्छा बताओ बोनी फिशेस? हाँ, अमोनोटेलिज्म. और बताओ बेटा कार्टिलेजिनस फिशेस? हाँ, यूरियोटेलिज्म. और एक 100% का क्वेश्चन, मैमल्स जब भी यूरिया निकाल रहे होते हैं, इसे निकालने के लिए ये किडनी इस्तेमाल करते हैं. क्या? किडनी. लेकिन यूरिया किडनी में बनती नहीं है. इनकी मेटाबॉलिज्म के दौरान, देखो सुनना बंद करोगे तुम्हारा लॉस है. मेटाबॉलिज्म के दौरान अमोनिया बनती है. क्या बनती है? अमोनिया. और यह अमोनिया लिवर में भेजी जाती है और लिवर में यूरिया बनती है. लिवर में यूरिया बनके इसे ब्लड में डाला जाता है और ब्लड से यूरिया किडनी में जाती है और किडनी से यूरिन के थ्रू निकलती है. क्वेश्चन, यूरिया बनती कहां है? लिवर में. निकलती कहां से? किडनी से. और याद रखना, कोर्स में ना होने के बावजूद मैं ये हर साल पढ़ाता हूं, इस साल भी पढ़ाऊंगा. ध्यान सुनो, क्योंकि इससे दो तीन क्वेश्चन इनडायरेक्ट बनते हैं. डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट. जब अमोनिया लिवर में जाती है तो वहां यूरिया बनाने के लिए पर्टिकुलर साइकिल इस्तेमाल करती है, दैट इज नोन एज यूरिया साइकिल. फिर समझ लो, ऑल्सो नोन एज क्रेब हैंसलीट साइकिल, ऑल्सो नोन एज ऑर्निथिन सिटुलिन साइकिल. तो जितने भी यूरियोटेलिक लोग हैं वो किसे ज्यादा इस्तेमाल रहे? किडनी. जरा मछली है आप तो अमोनिया निकालने के लिए किडनी का इस्तेमाल करते थे. बहुत रोल था कि इनसिग्निफिकेंट. और हम मैमल लोग किडनी से यूरिया निकालने के लिए यूरिन बना रहे और यूरिया बन का आ रही है लिवर में.
और लीवर में जब यूरिया बन रही तो एक साइकिल से बन रही, साइकिल का नाम हाँ यूरिया साइकिल, फिर से बोलो यूरिया साइकिल, एंड दिस यूरिया साइकिल इज ऑल्सो नोन एज क्रैब हैंसलेट साइकिल, ऑल्सो नोन एज ऑर्निथिन सिट्रुलिन साइकिल। कोर्स में ना होने के बावजूद एक बार पढ़ेंगे और उसके आगे कट का निशान लगा देंगे कि नहीं पढ़ना, एक बार सुनना है बस, पढ़ाओ यूरिया साइकिल। इसके इनडायरेक्ट क्वेश्चन में तुम्हें सिखाता हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, कभी किसी एग्जाम में अभी तक तीन चार सालों में यूरिया साइकिल से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया, पर मैं वो सारे इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा जो आए। चलिए याद रखना, अमोनिया जब लिवर में पहुंचती है तो ये अमोनियम आयन में कन्वर्ट होती है, अमोनियम आयन में कन्वर्ट होने के बाद ये CO2 के साथ जुड़ती है और साथ में ATP के साथ जुड़ती है, तीन चीजें बोलो, अमोनियम आयन CO2 और ATP, इन तीनों चीजों से जुड़ करके ये प्रोडक्ट बनाती है, नाम है कार्बामोइल फॉस्फेट। कैसे याद रखें कि सर इतना भयानक नाम कैसे याद रखें, कार्बन से कार्बा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बा, एमोनिया से मॉयल और एटीपी से फास्फेट, बोलो कार्बामोइल फास्फेट किससे बना? क्या आपकी बॉडी में अमोनिया बनी? अमोनिया कहां पहुंची? लिवर, कहां पर? लिवर में उसे कौन मिला? CO2। अमोनिया किसमें कन्वर्ट हुई? अमोनियम आयन, कौन मिला? CO2, और कौन मिला? ATP, क्या बनाया? कार्बामोइल फॉस्फेट, फिर से बोलो कार्बामोइल। इस कार्बामोइल फॉस्फेट पे ऑर्निथिन का रिएक्शन हुआ, यानी ऑर्निथिन कार्बामोइल फॉस्फेट से जुड़ी, कार्बामोइल फॉस्फेट और ऑर्निथिन मिलकर बनाए सिट्रुलिन, एंड दैट्स व्हाई दिस साइकिल इज नोन एज ऑर्निथिन सिट्रुलिन साइकिल। इस सिट्रुलिन साइट में एस्पार्टिक एसिड आकर के जुड़ा। अभी इतना समय नहीं कि मैं तुम्हें बताऊं एस्पार्टिक एसिड कहां से आया, लेकिन जिन लोगों को ट्रांस अमिनेशन और रिडक्टिव अमिनेशन आता है क्या, तो वैसा प्रोसेस है ये ट्रांस अमिनेशन, कोई भी एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड में चेंज हो जाए, इट इज नोन एज ट्रांस अमिनेशन, एंड एस्पार्टिक एसिड इज अमीनो एसिड, तो किसी भी एसिड को तुम एस्पार्टिक एसिड में चेंज कर सकते हो, किसी भी अमीनो एसिड को एस्पार्टिक एसिड में चेंज कर सकते हो, इस प्रोसेस का नाम ट्रांस एमिनेशन। अब आगे देखना, सिट्रुलिन बनने पर एस्पार्टिक एसिड के इसके साथ जुड़ने पर, यानी सिट्रुलिन और एस्पार्टिक एसिड जुड़ने पर यहां पर एक प्रोडक्ट बना, नाम है आर्जिनो सक्सिनेट और द ऑर्जिनो सक्सिनिक एसिड। और जो लोग भी क्रेब साइकिल सुने हैं, किसी को कोई मतलब नहीं, क्रेब साइकिल सुने हो? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बनता था, अल्फा कीटो ग्लूटारिक के बाद सक्सिनिल को एंजाइम ए बनता था, सक्सिनिक एसिड के बाद फ्यूमेरिक एसिड बनता था, पक्का? फ्यूमेरिक के बाद मैलिक, ये वही सक्सिनिक एसिड है, सक्सिनिक, लेकिन उसमें क्या है? आर्जिनो, और सक्सिनिक एसिड से हमेशा फ्यूमेरिक एसिड निकलता ही है, तो सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बाहर निकाल दो, आर्जिनो सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड जैसे ही बाहर निकाला यहां पर बना आर्जिनिन, बोलो आर्जिनिन, और आर्जिनिन की हुई हाइड्रोलिसिस, बोलना क्या? हाइड्रोलिसिस, यानी आर्जिनिन में वाटर आकर के जुड़ा और वाटर जुड़ते ही यूरिया बना। तो बताओ ऑर्निथिन सिट्रुलिन का यूरिया इज मेन प्रोडक्ट की बाय प्रोडक्ट? बाय प्रोडक्ट। मुझे मालूम है ये तुमको नहीं पढ़ना है, मत पढ़ना, मैं जो क्वेश्चन कह रहा हूं वो ध्यान सुनो। जब भी यूरिया का आप फॉर्मूला लिखोगे इट इज NH2CO NH2, तब आपको पता चलेगा यूरिया इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग, अमोनिया एंड CO2।
दिस इज अमोनिया, दिस इज अमोनिया, दिस इज CO2। तो यूरिया निकालकर आप एक मोल CO2 और दो मोल अमोनिया अपनी बॉडी से निकाल लो, किसी को कोई मतलब नहीं। जो लोग सुन रहे बच्चा वो मेरी तरफ ध्यान दें, बाकी तो जो करना करें। यूरिया निकालकर एक्चुअली आप दो मोल अमोनिया और एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लो। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि यूरिया एक्चुअली कौन से दो बड़े बड़े प्रोडक्ट को आपकी बॉडी से निकालता है, बोलो, अमोनिया और CO2। और ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि यूरिया इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ यूरिया साइकिल की बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट। बस इन दो क्वेश्चन की वजह से मुझे इतना बड़ा पढ़ाना पड़ा। अगर आपको ये तीनों नाम याद है तो याद रहेगा, ऑर्निथिन सेट्रोलिन साइकिल। तीसरा एक क्वेश्चन और आया, किस सब्सटेंस की हाइड्रोलिसिस से किस यूरिया बनेगा, आरजीडी। ये तीन क्वेश्चन है जो इनडायरेक्ट वे में इस साइकिल से पूछे गए। बाकी मुझे कोई भी जरूरत नहीं थी ये साइकिल पढ़ाने की, बिकॉज इट इज आउट ऑफ कोर्स, पहले से लिख दे रहा हूं। कहीं पर भी इसे पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये तीन क्वेश्चन संभाल लेना बेटा, बस मेरा काम बन जाएगा। बताओ यूरिया निकालकर आप क्या कर रहे हैं, अमोनिया और CO2, अमोनिया और CO2। और CPMT ने एक साल क्वेश्चन पूछा था और मैं बता नहीं सकता कि वो कितना प्यारा क्वेश्चन था। अब CPMT होता नहीं इसलिए क्वेश्चन यूजलेस है, क्वेश्चन यूजलेस है। उन्होंने पूछा था वो कौन से दो स्टेप हैं जहां पर क्रेब साइकिल और यूरिया साइकिल मर्ज कर सकती हैं। दिस इज अल्फा कीटो ब्यूटेरिक एसिड, इसके पहले CO2, इसके बाद CO2, एंड दिस CO2 विल प्रोड्यूस यूरिया साइकिल। अल्फा कीटो के पहले और अल्फा कीटो के बाद नहीं आया, आया तो आपकी बॉडी में क्रेब साइकिल भी चल रही है और क्रेब हैंसलीड भी चल रही है और दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज हो रही हैं। और जिन्होंने भी रेस्पिरेटरी सिस्टम मेरे साथ पढ़ा था उनको मैंने कुछ एजम्पशंस पढ़ाए थे, याद है? और मैंने माना था कि कोई भी प्रोडक्ट किसी दूसरे प्रोडक्ट को बनाने या नहीं हो सकता, क्या ऐसा हो सकता है? तो वो बताओ क्या था रियल बात की एजम्पशन, एजम्पशन। दिस इज यूरियोटेलिज्म, बोलो, बाय बाय करें। चलो, यूरिया कहां बनती है, कहां पर, लीवर, कहां से निकलती है, किडनी से। नाउ द यूरिकोटेलिज्म, इट इज अ रिमूवल ऑफ यूरिक एसिड याद रखना, यूरिकोटेलिज्म ऑर्गेनिज्म को यूरोटेलिक बनाता है और यूरिकोटेलिज्म ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दे रिक्वायर लीस्ट वाटर, सबसे कम वाटर, लीस्ट वाटर फॉर एक्सक्रीशन। अगर गौर से सोचोगे तो ये उनको सुटेबल है जो जमीन की सतह को छोड़कर रहना सीखते हैं, क्योंकि तो जमीन की सतह को छोड़कर तुमने रहना सीखा तो अब आप पर वेट लगेगा mg, क्या लगेगा mg, और आप अपना m कम से कम करना चाहोगे क्योंकि g तो कम कर नहीं सकते। तो m कम से कम करने के लिए आप अपनी बॉडी में वाटर और बढ़ाओ कि और कम करो, और कम। तो जितने भी एरियल हैबिटेट है कैसे वो पानी बॉडी में कम की ज्यादा कम, इसीलिए यूरिकोटेलिज्म। तो बोलते हैं एरियल हैबिटेट या फिर आर्बोरियल हैबिटेट। आर्बोरियल का मतलब ट्री में रहने वाले, पेड़ में रहने वाले लोग इस तरीके का काम करते हैं। और इनमें एग्जांपल है तीन लोग, एक है बर्ड्स, NCERT देखते रहिए, दूसरे हैं बेटा रेप्टाइल्स और तीसरे हैं लैंड स्नेल्स। बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड लैंड स्नेल्स,
इंसेक्ट भी, नो डाउट इंसेक्ट भी, लैंड इंसेक्ट। अब तीनों के एग्जांपल बताओ, तीन तीन। अमोनोटेलिज्म, बहुत कम। बहुत कम, क्योंकि एसिडिक और बेसिक बैलेंस भी करती किडनी, और वो बहुत मुश्किल से बैलेंस हो पाएगा। अगर तुमने एनएच फ्लोर प्लस खत्म कर दिया तो आपने अपनी बॉडी के एच प्लस आयन छोड़ दिए, इसका मतलब आपकी बॉडी से एच प्लस निकल गया, यानी आपका ब्लड बेसिक होता जाएगा। करने के लिए तुम अपनी गणित कुछ भी लगाओ, होता क्या वो सुनो। अगर आप H प्लस अपनी बॉडी से निकालते जाओगे तो क्या निकाल रहे हो? एसिड। इसका मतलब आपकी बॉडी का पीएच बढ़ेगा, घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो आपकी CO2 लंग्स में रुकने लगेगी, सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी, बैठो। इसलिए किडनी का लंग से बहुत रिलेशन है। अगर किडनी खराब हुई तो लंग खराब होने लगते हैं, लंग्स खराब हुआ तो किडनी खराब होने लगती है। पल्ले नहीं पड़ा मैंने क्या बोला। अगर NH प्लस ज्यादा निकाला तो एसिडिक कंडीशन कम हुई। अब CO2 क्या है? नॉन मेटल की ऑक्साइड। अगर इससे एसिडिक होगी तो अब मुझे CO2 को रोकना पड़ेगा, कहां पर? ब्लड में, ताकि एसिडिक बैलेंस बना रहे। इसीलिए कहते हैं कि बेटा लंग्स खराब हुए तो किडनी खराब होने के चांसेस हैं, और दूसरा किडनी खराब हुई तो लंग्स खराब होने के भी चांसेस है। तो जो हम सोच रहे हैं वैसे नहीं होता, जो होता है वो सुन लो, ठीक? वरना तुम्हारे हर क्वेश्चन का जवाब मेरे पास नहीं है, वैसे है, अलग से मिलो तुम्हें थप्पड़िया के बताएंगे। चलो बताओ तीनों एग्जांपल अमोनोटेलिज्म के। बोनीफिशेस, बोनीफिशेस और पक्का? अच्छा बताओ यूरियोटेलिज्म याद है? बोलो। लैंड एम्फीबिया, कार्टिलेजिनस फिश और मैमल, पक्का? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट यूरिकोटेलिज्म, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, लैंड स्नेल और इंसेक्ट। ये क्या है? यूरिकोटेलिज्म। सबसे ज्यादा पानी, सबसे कम, और इसे रिमूव करने के लिए देयर इज अ सिस्टम नोन एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। बोलो कौन सा सिस्टम? और हर फाइलम का अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम है। मेरे साथ 10 फाइलम लिखिए, 10 फाइलम के एक्सक्रीटरी सिस्टम लिखिए और घर जाइए। अगर आपने बता दिए देन वेल एंड गुड, नहीं बताए तो मेरे साथ और टाइम गुजारिए। चलिए पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, सीलेंटेटा, टीनोफोरा, टीनोफोरा। चलो तीनों को मिलाकर जनरल बॉडी सरफेस, कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। पोरीफेरा, सीलेंटेटा, टीनोफोरा में कोई भी स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे जीबीएस क्या है? बोलो जनरल बॉडी सरफेस। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद आया प्लेटी हेलमेंथीस। यस, वेरी गुड, दोनों ही बातें सही है। प्लेटी हेलमेंथीस, प्लेटी हेलमेंथीस में देयर आर फ्लेम सेल्स। कई बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर ये फ्लेम सेल्स क्यों कहलाती? देख लो इधर ध्यान से, एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब है, ये तो फ्लेम ना हुआ। तो बोलते हैं इस ट्यूब में चारों तरफ बेटा अपेंडेजेस होते हैं जो इसको फ्लेम लाइक लुक देते हैं, लाइक दिस, and that's why it is known as flame cells, also known as protonephridia. flame cell का दूसरा नाम है protonephridia. और भाइयों बहनों protonephridia तीन चार जगह और, वो NCERT में है, लिखो और मेरे साथ बेटा रिवाइज करो। rotifers, इसके अलावा some annelids, कुछ एनेलिडा में भी पाई जाती, सारे एनेलिडा के कुछ कुछ, सिफेलोपॉडेट्स,
कुछ सिफेलोकॉर्डेट्स में भी पाए जाते हैं, और उस सिफेलोकॉर्डेटा का नाम है एम्फियोक्सस। ये सब एनसीईआरटी की लाइनें हैं। पोरीफेरा, सीलेंटेटा, टीनोफोरा, जीबीएस, प्लैटी हेलमेंथीस में प्रोटोनेफ्रीडिया ऑल्सो नोन एज फ्लेम सेल, एंड दीज फ्लेम सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन रोटिफर्स, सम एनिलिड्स, सिफेलोपॉडेट्स। यस, आगे चलो। एसके हेलमेंथीस, रेनेट सेल, दे आर नोन एज रेनेट सेल। एच शेप सेल है, एच शेप ट्यूबुल है, एच के आकार के ट्यूब्यूल पाए जाते हैं इनमें, रेनेट सेल। पूरी बॉडी में एक सेल है, एच साइज। एसके हेलमेंथीस के बाद आता है एनेलिडा। याद रखना, प्रोटोनेफ्रीडिया कह के हमने पहले आइडिया दे दिया कि ये अगर प्रिमिटिव नेफ्रीडिया है तो आगे चल के क्या मिलेंगे, नेफ्रीडिया। सो एनेलिडा दे हैव नेफ्रीडिया। मेगा खड़ी हो, मोलस्का, गिल्स, एक्सक्रीशन, गिल्स और ऑर्गन ऑफ बोजेनस मोलस्का और केबर्स ऑर्गन, वेरी गुड। वन इज नोन एज गिल्स, ऑर्गन ऑफ बोजेनस और केबर्स ग्लैंड, साबास। मैडम पहले बैठ गए, चलो भाई सक्सेना साहब। ऑर्थ्रोपोडा, मालपिगियन ट्रिब्यूल, किसने बताया? दोस्त से कह दो कि वो तुम्हारी हेल्प ना करे, क्योंकि अब वो अपनी हेल्प नहीं कर पाएगा। इसके अलावा ग्रीन ग्लैंड और एंटीनल ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड और एंटीना में पाई जाने वाली ग्लैंड, एंटीनल ग्लैंड, ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ऑर्थ्रोपोडा मोलस्का, ना इकाइनोडर्मेटा, अब्सेंट, अब्सेंट या फिर जीबीएस, इकाइनोडर्मेटा अब्सेंट या फिर जीबीएस, जनरल बॉडी सरफेस। हाँ भाई खड़े हो, बातें कर रहे हो। हाँ, इकाइनोडर्मेटा खत्म, अब आओ हेमिकॉर्डेटा सीधे। हेमिकॉर्डेटा, आइए प्रसाद जी, आप बताने की कोशिश कर रहे थे, खड़े होइए। चोरी करके देख करके बताने वाले चोर लोग होते, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, नहीं सारा पुरुषार्थ यही धरा रह जाएगा। डू यू नो अबाउट द पुरुषार्थ, व्हाट इज द मीनिंग? यस, एबिलिटी ऑफ द पुरुष, इट इज नोन एज पुरुषार्थ। एबिलिटी बची नहीं, नाम पुरुषार्थ है लेकिन पुरुषार्थ है ही नहीं। इट इज प्रोबोसिस ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड? प्रोबोसिस। और भाइयों बहनों, कॉर्डेटा, कौन बेटा? कॉर्डेटा में कितने लोग? पांच। बैठ जाओ भाई, दोनों बैठ जाओ। कॉर्डेटा में पांच लोग, बोलो कौन? फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल, पांचों के पांचों किडनी। और हम लोग कौन है? और हम ह्यूमन है, तो हमारा अगला टॉपिक होगा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। बस नहीं तो, बस कैसे ना, बिना पढ़े ना जाने देंगे। तुम जाओ जाओ जाओ, इसको जाना। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं,
और ये सब यहां पर लिखा हुआ। हटाएं, ओके, क्या हुआ? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिनको भी नहीं पढ़ना है प्लीज छोड़ दीजिए, क्लास छोड़ के जाइए। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, दे हैव द फोर ऑर्गन्स एज अ एक्सक्रीटरी सिस्टम, चार ऑर्गन इनके पास है। वन पेयर किडनी, वन पेयर यूरेटर, वन यूरिनरी ब्लैडर, एंड यूरेथ्रा। एक पेयर किडनी, एक पेयर यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। किडनी दे आर बीन सेप्ड, ओके। इन किडनी में निकलने वाले ट्यूब का नाम है यूरेटर। यूरेटर नाम के जो ट्यूब है वो बेटा एक ब्लैडर में जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर बेटा ओपन होता है आउटसाइड बाय यूरेथ्रा। हेयर इज अ किडनी, दीज ट्यूब्स आर यूरेटर, then this bladder is known as urinary bladder, and this opening is known as urethra. And total human excretory system is abdominal, it is abdominal. और एब्डोमिनल एक कैविटी है, और वो मैंने बहुत पहले पढ़ा दी थी, याद है किसी को? डायाफ्राम के नीचे और इंग्वाइनल एरियाज के ऊपर एक कैविटी है जिसका नाम है एब्डोमिनल कैविटी। फिर से बोलो, यस, खड़ो बेटा, व्हाट इज सीलोम? बड, सॉरी, गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच की कैविटी। आप थोड़ी देर खड़े रहना प्लीज। लेट सपोज आई एम द मेंबर और मेरी सबसे बाहर वॉल दिखाई पड़ रही है, क्या नाम है? बॉडी वॉल। अगर मुझे काटा जाए तो मैं कैसे दिखाई पड़ूंगा? इधर देखो, अगर मुझे काटा जाए तो मेरे सबसे बाहर मिलेगी बॉडी वॉल और सबसे बीच में मिलेगी एलिमेंट्री कैनाल। It is a canal. What is a canal? And this is body wall. बोलते हैं body wall और elementary canal के बीच के स्पेस को सीलोम तब तक नहीं बोलेंगे जब तक इसमें क्या ना हो, मीजोडर्म। तो याद रखना ये मीजोडर्मल लाइनिंग है, दिस इज नोन एज मीजोडर्मल लाइनिंग। और जिसको तुम केवल मीजोडर्मल लाइनिंग सोच रहे हो, इट इज टोटल अ बैग, और इस बैग का नाम है पेरिटोनियम। बोलो क्या नाम है? पेरिटोनियम। सी, इफ इट इज अ एलिमेंट्री कैनाल, इफ इट इज अ बॉडी वॉल, फिर से बोलो, तो बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच का गैप सीलोम तब तक नहीं होगा। एक पेज दो, पेज फाड़ के दो।
तब तक नहीं होगा जब तक ये वाल के द्वारा ये एलिमेंट्री कैनाल किससे ना हो, मीसोडर्म। फिर से बोलो, एक बार एक और पेज दो। दिस इज एलिमेंट्री कैनाल, दिस इज मीसोडर्म, दिस इज अ बॉडी वॉल। फिर से बोलो, एंड नाउ दिस इज अ मीसोडर्म। बोलो तो बताओ, अब देखो मीसोडर्म कितने जगह से, दो। क्या अब आपको बैग दिख रही है? दिस बैग इज सिलो। ये क्या है? बॉडी वॉल। ये क्या है? एंड ये क्या है? मीसोडर्म। अगर कोई भी ऑर्गन इस सीलोम में है, कहां पर है? सीलोम। तो हम बोलेंगे पेरिटोनियल। बोलो, बॉडी वॉल के अंदर होने का मतलब पेरिटोनियल नहीं है। देखो ये भी बॉडी वॉल के अंदर है, ये भी। ये क्या है? ये क्या है? और ये बेटा एक ऑर्गन है, बॉडी वॉल के बाहर के अंदर, अंदर लेकिन बैक के, बैक के। अब अगर तुम इसे एज्यूम कर पाए तो तुम्हारा कल्याण है, वरना कल्याण नहीं है। ये एलिमेंट्री कैनाल, ये बॉडी वॉल, और ये पेरिटोनियम, और इस फ्लूड का नाम है पेरिटोनियल फ्लूड। बोलो क्या नाम? पेरिटोनियल फ्लूड। और इस पेरिटोनियल फ्लूड के अंदर एक बैग है जो पूरा बॉडी में जाएगा। तो यहां जितने भी ऑर्गन हैं, दे आर नोन एज विसरल ऑर्गन। फिर से बोलो, तो बताओ विसरल ऑर्गन जो होंगे वो पेरिटोनियम फ्लूड के अंदर। किडनी अकेला ऑर्गन है जो बॉडी वॉल के अंदर है लेकिन मीसोडर्म के बाहर। ये रहा किडनी। अगर आप मेरा पेट काटो तो पहले बॉडी वॉल मिलेगी, बॉडी वॉल को काटोगे तो एक बैग मिलेगा, मिलेगा। उस बैग को काटोगे तो बेटा फिर आपको इंटरनल ऑर्गन मिलेंगे, लेकिन किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो बॉडी वॉल को काटते ही मिल जाएगा, बॉडी के अंदर नहीं मिलेगा। इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा किस ऑर्गन की चोरी हो रही है? किडनी। तो बोलते हैं किडनी, द किडनी दे आर एब्डोमिनल, एब्डोमिनल बट रेट्रो पेरिटोनियल यानी पेरिटोनियम के अंदर की बाहर। और कितने पेयर? दो पेयर। और इसीलिए बोलते हैं डॉर्सल साइड ऑफ द एब्डोमिनल, डॉर्सल वेंट्रल साइड की डॉर्सल, डॉर्स। तो किडनी चोरी करने वाले लोग कट कहां लगाते हैं? सामने की साइड में, साइड में। और किडनी चोरी करना आसान क्यों है? क्योंकि हमें बैग को काटना नहीं पड़ेगा। कौन सा बैग? पेरिटोनियम। तो बताओ ये पेरिटोनियम के अंदर की बाहर? बाहर। कितनी किडनी है? दो। एक पेयर। यूरेटर है? ब्लैडर है? यूरेथ्रा है? किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ाए? जाओ पढ़ाएंगे, हमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, पढ़ाए। थैंक यू। पहले खुद अपने भाइयों बहनों से पूछ लो कि पढ़ाएं कि नहीं। नहीं, किडनी के अंदर जाएंगे तो दो लेयर पड़ेंगी, कॉर्टेक्स और एक मेडुला। कॉर्टेक्स रीजन को छोड़ दो तो मेडुला में है पिरामिड। बोलो क्या? पिरामिड। मैं बना नहीं रहा हूं, टाइम लगेगा। पिरामिड का नाम है मेडुलरी पिरामिड। सुनने ही नहीं है। उनमें माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, पेल्विस, पेल्विस आगे यूरेटर। To be continued in next topic, next chapter, next class. Thank you very much. Bye-bye.